For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम तल्ला बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बदलते मौसम की मुनासबत से है। जैसे आजकल मौसम में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती जा रही है, तो उस लिहाज से मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं यूरिटेरिक स्टोन डिज़ीज़। इसके मतलब लोगों का ये होता है कि अगर किसी को गुर्दे से जो यूरिन की ट्यूब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आती है उसके अंदर कोई स्टोन अगर फंस जाए तो पानी खूब पिया जाए, बेतहाशा पानी पिया जाए जो कि लोग पीते हैं, तो उससे बल्कि फ़ायदा होने के अक्सर नुकसान होता है। तो मेरा आज का टॉपिक उसके मुताबिक है। यूरिटेरिक स्टोन्स का या उर्फ आम है कि पेशाब की नाली जो गुर्दे से आती है उसमें जो पथरी है उसके जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि इंसान को हाजत के वक्त यानी कि यूरिन पास करते वक्त दर्द होगी यूरिन की जगह पे, या उसको पेट के निचले हिस्से पे इस जगह पे दर्द महसूस होती है, और ये दर्द कभी कभी मसलसल होती है और कभी कभी होगी फिर ख़त्म होगी फिर होगी फिर ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अक्सर पेशाब में खून भी आ सकता है उनको। यूरिटेरिक स्टोन्स बनने की जो वजह है उसमें सबसे पहली वजह है कि पानी का कम पीना। जैसे कि आम हमारी रूटीन है कि सुबह वक्त एक गिलास पिया, दोपहर को पिया, रात को पिया, और मौसम का गर्म हो जाना या आपका ऐसी एनवायरनमेंट में काम करना जहाँ पे गर्मी का ज़्यादा अमल दखल हो, जैसे कि कोई फील्ड वर्क में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। प्लस उसके साथ उन लोगों के अंदर कुछ लोगों में जीनियाती तौर पे यानी कि जेनेटिकली भी उनके अंदर स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, या वो लोग जिनके अंदर यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया होता है उनमें ये चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ एक बात मैं ये भी नोट करवा दूँ कि अक्सर लोगों को सख्त सर्दी में जब हम पानी कम पीते हैं और घरों में हीटर के सामने रहते हैं तब भी ये यूरिटेरिक स्टोन बन सकता है। तो बुनियादी वजह जो है ज़्यादा इसमें आती है कि पानी का कम पीना। अब ये स्टोन बनता क्यों है या ये पेशाब की नाली में फंसता क्यों है, तो उसमें सबसे पहली तो वजह वही कि पानी का कम पीना, ऐसे माहौल में काम करना जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ना हो या गर्मी बहुत ज़्यादा हो, और फिर उसके साथ कि आपकी ग़िज़ा में ऐसी अवामिल शामिल हों जो कि आपको स्टोन बनने में आपकी बॉडी में ज़्यादा मजबूर करें, जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी कह सकते हैं, या उसकी एक बड़ी आम सी मिसाल है हाइपर यूरिसीमिया के लोगों के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से स्टोन बनने के लिए बड़ी ईजी होती हैं, या वो लोग जो कि दूध कम पीते हैं या बहुत ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें लेते हैं तो उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनते हैं। गर्ज़ ये कि किसी भी वजह से अगर आपके गुर्दे में स्टोन बन रहा है तो चांसेस हैं कि वो फंस सकता है। इसमें आम तौर पे अगर तो साइज़ 5 mm से लेके 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर होगा तो वो फंसने के चांसेस होते हैं। इन शॉर्ट या अलगर्ज़ मैं ये कहूँगा कि आजकल का जैसा मौसम आ रहा है इसमें बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली चीज़ अगर तो आपके किडनीज़ में स्टोन्स नहीं है एंड इफ़ यू नो दिस या नहीं भी पता तो पानी की इनटेक ज़्यादा रखें। कम से कम दिन में 3 लीटर पानी हर इंसान को पीना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जिनका फील्ड वर्क है तो दे शुड इंक्रीज़ देयर लिमिट्स ऑल्सो, एक चीज़ होगी। और अगर खुदा ना खास्ता कभी भी ये प्रॉब्लम होती है आपको तो फौरन आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, इसको डिले नहीं करना। इन शॉर्ट या अलगर्ज़ मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारा मौसम बदल रहा है और पाकिस्तान में गर्मियाँ लंबे अरसे के लिए होती हैं और आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट अपने सारे व्यूअर्स से है कि अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, एटलीस्ट 3 लीटर हर इंसान को पानी पीना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो या आपके किसी दोस्त को तो फौरन उनको मशवरा दें कि अल्ट्रासाउंड करवाएं, एंड इफ़ इट्स एस्टेब्लिश उसमें पता चलता है कि जी आपको यूरिटेरिक स्टोन है तो फौरन यूरोलॉजिस्ट से राबता करें। उसमें ये वेट ना किया जाए कि मैं दवाइयाँ खाऊँ
नेमली कि मैं कोई देसी टोटका इस्तेमाल करूं, होम्योपैथ की यूज़ करूं तो ये निकल जाएगी। जब तक वो नहीं निकलेगी वो आपकी किडनी को डैमेज कर रही है, और किडनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट अपने सारे व्यूअर से है कि अगर कभी ये प्रॉब्लम हो तो फौरन यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं और अकॉर्डिंगली उसकी मैनेजमेंट करवाएं। और अगर आप में से किसी भी व्यूअर को ये प्रॉब्लम है तो आप मरहम के थ्रू मुझसे जो है मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मुझसे चेकअप करवा सकते हैं।